ले ओपन कर दी देखा बड़ा यहां से खुल गया आगे के पहचान करो इस संस्था के और भी कार्यकर्ता बनाओ यार बनाओ सही है जहाँ सारी हो सही बिलाल मोहम्मद समीर असद खान अब्दुल्ला मोहम्मद अली नूर आलम भैया अस्सलाम वालेकुम नमस्कार सभी पे बैठे हुए और सभी हमारे सीनियर लोगों को और हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे विशिष्ट अतिथि मंगल शुक्ला जी का और सरपरस्त डॉक्टर सरफराज खान साहब का जो हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में आकर इसको कामयाब बनाने में बहुत मदद कर रहे हैं। इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आज जो चल रहा है लड़कों और लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इसका ट्रैप हो रहे हैं। जो कल वैलेंटाइन डे है उससे एक दिन पहले रखा गया है। हर साल हम लोग वैलेंटाइन डे पे गरीब बच्चों की मदद करके उनको गिफ्ट वगैरह और कॉपी वगैरह दे के हर साल हम लोग मनाते रहे अवेयरनेस के लिए। ये इसको इस पैमाने पे आज बड़े पैमाने पे किया गया कि लोग और जाने और अपने इलाके में इसको और तवज्जो दें। इस पर भी काम होना चाहिए क्योंकि इंसान की इज्जत ही बहुत कुछ होती है और इससे रिलेटेड होते हैं उनके बच्चे। आजकल लोग परेशान हैं हर चीज़ में मशरूफ़ होते हैं और अपने बच्चों पे कम ध्यान देते हैं जिससे वो अकेला महसूस करते हुए लोगों का शिकार होते हैं। चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां ये एक मोहब्बत के नाम पर एक ट्रैप का भी काम चल रहा है जो कि ये काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। ये एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग वगैरह इसमें लोग शिकार हो रहे हैं और इसी को रोकने के लिए हम लोगों ने एक ग्रुप का बनाया गया है और इसको जहाँ तक हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग इसको रोकें। वैलेंटाइन डे पे बहुत से लोग हैं जो कपल के नाम पर हैं बहुत गलत काम करते हैं। हमसे उन सारे लोगों से गुजारिश है कि वो ये सब फालतू कामों से बचें थोड़ा अपने अंग्रेज़ों को नहीं अपने भारतीय कल्चर को फॉलो करें। ये अंग्रेज़ों का कल्चर था वैलेंटाइन डे के मौके पर तमाम तरीके का ये जो है कल्चर यह भारत में भी लागू होने लगा है। इसको रोकने के लिए हम लोगों ने एक कदम बढ़ाया है और इसको हम लोगों ने सक्सेस करने के लिए हर एक प्रयास करेंगे कि काफ़ी लोगों को रोका जाए। और आजकल जो लोग परेशान हैं ले होते हैं अपने बच्चों को लिए किसी को लड़की पैदा होती है तो वो मायूस हो जाता है। उसका मतलब ये होता है कि आजकल का माहौल जगह जगह पर कॉलेजों में लोग पढ़ते हैं शिक्षा लेने के लिए लेकिन वो जाकर अपनी लाइन बदल लेते हैं। वो कुछ गलत कामों में लग जाते हैं जिनसे उनका फ्यूचर रुक जाता है। माँ बाप भेजते हैं शिक्षा के लिए और बच्चे शिकार हो जाते हैं किसी और चीज़ का। तो हमसे उन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है वो शिक्षा के लिए जाते हैं कृपया उसी पर ध्यान दें और अपने फ्यूचर को बनाएं। हम लोग वैलेंटाइन डे के मौके पर जितने भी ग्रुप के लोग हैं वो सारे गरीबों को मदद करते हैं जहाँ तक हो सकता है। हम लोग इस तरीके से अपना वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं। हमको अपना भारतीय कल्चर देखना है ना कि अंग्रेज़ों का दिया हुआ कल्चर अपनाना है। शुक्रिया।